सुखदेव गोगामेड़ी हत्याकांड को लेकर रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। दोनों शूटरों की गिरफ्तारी के बाद अब एक और नाम सामने आया है, जिसके बाद हर कोई हैरत में है। पुलिस ने हथियार सप्लाई करने वाली एयर होस्टेस स्टूडेंट पूजा सैनी उर्फ पूजा बत्रा को जयपुर से गिरफ्तार किया गया है। पूजा और उसका पति महेंद्र लॉरेंस गैंग के लिए रंगदारी और शूटर्स को हथियार सप्लाई करते थे। वहीं जांच के दौरान पूजा के घर से मिली AK-47 गन की जानकारी ने भी सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। पूजा के पास मिले मोबाइल में AK-47 की फोटो मिली है। ये फोटो जून 2023 में जगतपुरा स्थित फ्लैट की है। जून 2023 में महेंद्र AK-47 लेकर आया था। गिरफ्तार पूजा का हिस्ट्री शीटर पति पुलिस के पहुंचने से पहले ही हथियारों के जखीरे के साथ फरार हो गया। इस खुलासे में सभी की निगाहें पूजा पर टिक गई हैं। आखिर पूजा अपराध के दलदल में कैसे आई? एक होनहार बीएससी की स्टूडेंट पूजा हथियारों की चकाचौंध और लग्जरी लाइफ में ऐसी हुई कि उसे ये एहसास नहीं हुआ कि इसका क्या होगा। हथियार सप्लाई करने वाली युवती पूजा सैनी हिस्ट्री शीटर महेंद्र कुमार मेघवाल और समीर के प्रेम में पड़कर लेडी डॉन बन गई। पुलिस पूछताछ में पूजा ने बताया कि उसकी दो बहनें हैं। एक बहन जब कोटा में पढ़ रही थी तब वर्ष 2018 में उससे मिलने गई। इस दौरान बहन की सहेली के बॉयफ्रेंड और उसके तीन दोस्तों से मुलाकात हुई। उन्हीं में महेंद्र कुमार भी साथ था। तब पहली बार उससे जान पहचान हुई। वर्ष 2019 में पढ़ाई के लिए जयपुर आई और एक कॉलेज में बीएससी प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया। वर्ष 2020 में महेंद्र की फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली। उसने रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया। फिर बातचीत होने लगी और दोनों में प्रेम हो गया। महेंद्र के चक्कर में पड़ने के बाद पूजा ने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। अगस्त 2022 में महेंद्र के साथ जयपुर के एक मंदिर में जाकर शादी कर ली। इसके बाद दोनों जगतपुरा के फ्लैट में रहने लगे और पूजा एयरपोर्ट पर काम करने लगी। धीरे धीरे महेंद्र के साथ गैंग में शामिल हो गई। पूजा ने पुलिस को बताया कि नितिन फौजी हिसार से किराई की टैक्सी लेकर 28 नवंबर को ही जयपुर के प्रताप नगर पहुंच गया था। पूजा के फ्लैट में एक लड़का लड़की भी किराए पर रहते हैं। महेंद्र ने दोनों लड़के लड़कियों को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया और उनके कमरे में नितिन फौजी को रुकवाया। इस कमरे का दरवाजा हमेशा बंद रहता था। पूजा ही नितिन फौजी के लिए खाना बनाती थी और वो कमरे से बाहर नहीं आता था। पूजा ने बताया कि उसका पति महेंद्र करीब 1.5 साल से इस फ्लैट में किराए से रहता है। अपने मोबाइल से रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण की नितिन फौजी से बात करवाता था। पुलिस जांच में महेंद्र के फ्लैट की तलाशी में कई वाहनों की आरसी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मेमोरी कार्ड मिले हैं। साथ ही एक AK-47 की फोटो भी मिली है। हथियार तस्करी के लॉरेंस विश्नोई गैंग के नेटवर्क संचालित करने के अहम सबूत मिले हैं। इस बात के भी तथ्य सामने आ रहे हैं कि लॉरेंस गैंग द्वारा की गई कई घटनाओं में महेंद्र और पूजा का हाथ हो सकता है।